मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा था और उसके हमने कुछ रूल्स भी किए थे। आज हम आगे कुछ रूल्स करते हैं, जैसे कि कुछ हमारे नाउंस हैं वो क्या अनकाउंटेबल नाउंस है, वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, उनकी प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते। अगर हम उनको प्लूरल में यूज करना चाहते हैं तो सर्टेन वर्ड्स हम उनके साथ यूज करेंगे। वो जो अनकाउंटेबल नाउंस है हमारे, वो है फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी। ये जितने भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सब क्या आपके अनकाउंटेबल नाउंस है। ये इनकी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ यूज करते हैं। अगर इनकी हमें प्लूरल फॉर्म चाहिए तो कुछ सर्टेन वर्ड्स हम इनके साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड अस। ये जो सीनरी है इसको हमने एज अ सिंगुलर यूज, सिंगुलर नाउन हमने यूज किया है और इसके साथ वर्ब जो हमारे वो भी कैसे है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया, इसलिए इसने वर्ब भी कैसे ली है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है इसके साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। ये जो मिसचीफ है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। मोस्टली आपके जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कैसे है, अनकाउंटेबल वर्ड से ही पता चल रहा है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कुछ हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और सर्टेन ऐसे हमारे थिंग्स होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनका सिर्फ अमाउंट होता है। अगर हम उनके साथ आगे अमाउंट ऑफ लगा देते हैं तो क्या है, उनका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ऐसे ही इनके साथ अगर वर्ब जो हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वो कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे आपका मिसचीफ है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये जो एग्जाम्पल है, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, इसके साथ जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज हेयर इज ब्लैक। हेयर को मोस्टली क्या है, सिंगुलर, उसका कभी भी हेयर्स कोई वर्ड ही नहीं होता है। अगर हम हेयर्स वर्ड भी यूज करते हैं, दैट मीन्स उसकी काइंड आ जाती है, वैरायटीज आ जाती है हेयर के, टेक्सचर उसका वैरी करता रहता है। अदरवाइज जो हम सबके हेड पे जो हेयर है उनको हम हेयर्स कभी भी नहीं बोलते हैं, वो हेयर होते हैं और उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो होती है आपके सिंगुलर वर्ब यूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, He gave me a piece of information. यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल बनाना है तो हमें सर्टेन वर्ड्स उससे पहले ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या, He gave me a piece of information. हमने कुछ इसको इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में वो यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम उसकी सेंस चेंज करना चाहते हैं, प्लूरल सेंस में उसको बताना चाहते हैं, तो हमने उसके आगे जो ऐड किया वो क्या किया, वर्ड अ पीस ऑफ ऐड कर दिया, जिससे क्या है इसकी सेंस सिंगुलर से अलग चेंज हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड को भी क्या हम सिंगुलर इनके साथ वर्ब यूज आती है, लेकिन अगर हमें इसको प्लूरल बताना है कि कितनी स्लाइसेस हमने खाई हैं, तो क्या उससे पहले हम इसको ब्रेड्स नहीं बोल सकते, उससे पहले हमें वर्ड लगाने पड़ेंगे स्लाइसेस ऑफ, तब उसकी सेंस हमें प्लूरल में नजर आएगी। तो ये जितने भी नाउन हमने बोर्ड पे लिखे हैं, कितने कौन से थे अनकाउंटेबल नाउन से, दूसरा में क्या है प्लूरल, कोई भी इनके साथ आर्टिकल नहीं लगे, जैसे ए एन द नहीं लगेगा, ना ही इनके साथ मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ या फिर इनके प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती। प्लूरल फॉर्म अगर शो भी करनी है तो क्या करना होगा, हमें सर्टेन वर्ड्स यूज करने, जैसे अ पीस ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, इस तरह से हमें वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट रूल है, जो कि हमारे कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसका उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस उसका रिमूव नहीं कर सकते, जैसे कि सीजर्स, टॉन्ग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोस, ट्राउजर्स, ये है क्या, है तो सिंगुलर वन एंटिटी है लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं। जो इनके साथ वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। क्यों, इनके जो एस लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, जैसे कि कैंची होती है उसके टू होती है पैंट्स है उसके टू लेग्स के लिए है, ऐसे प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पजामा, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बायनोक्युलर, सनग्लासेस, इन सब में क्या है टू पार्ट्स है, इसलिए क्या है, वैसे तो वन एंटिटी है ये, इसलिए इनको अगर हम सिंगुलर बनाना चाहेंगे तो इसका एस रिमूव नहीं करेंगे, इनके साथ हमेशा एस लगेगा। ये दिखने में कैसे है प्लूरल है, बट है क्या, ये सिंगुलर थिंग है, लेकिन वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी,
प्लूरल वर्ब यूज होगी। आप इनको एक बार वर्ड्स को देख लो, कौन कौन से हैं, सीजर्स, टॉन्ग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बायनोक्युलर्स, सनग्लासेस, गैलोज, फैंस, आर्म्स, मेंट्स, आर्चीव्स, अरियर्स, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग, शैम्बर्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस एटसेट्रा। ये क्या है, आपके दिखने में कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इनमें जो मैंने एक वर्ड है वेजेस, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, आज सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस आर पेड इन कैश। यहां पर जो वेजेस, उसको हमने कैसे यूज किया, प्लूरल यूज किया हमने, प्लूरल यूज किया यानी कि लेबर जो उसका मजदूरी है उसकी तरफ, उस सेंस में इसको हमने यूज किया। वैसे क्या है ये, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज होगी, है कैसे, ये सिंगुलर है, दिखने में कैसे प्लूरल है, वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। लेकिन जो वेजेस है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है वेजेस आर पेड इन कैश, यहाँ पर जो वेजेस उसको हमने प्लूरल सेंस में यूज किया और यहाँ पर इसका मीनिंग डिफरेंट है। वेजेस हेयर मीन्स लेबर, जो उसकी मजदूरी है उस सेंस में यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर है वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि इसका रिजल्ट, वेजेस को हमने यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है, सिंगुलर मीनिंग में यूज किया है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो कैसी हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। यहाँ पे जो वेजेस इसका रिजल्ट, इसका मीनिंग है रिजल्ट, यानी कि जो हम हार्ड वर्क करते हैं उसका रिजल्ट कैसा होता है, अच्छा होता है, यानी कि सब्र का फल, जैसे कि हम मेहनत का फल मीठा होता है, वैसे ही क्या है, रिजल्ट के सेंस में यूज है, यानी कि सिंगुलर हमने यूज किया है। अब देखो वेयर आर द टोंग्स, यहाँ पर टोंग्स के साथ हमने वर्ब कैसे यूज की, प्लूरल वर्ब यूज की, क्योंकि ये जितने भी हमारे काउंट, ये सर्टेन जो नाउंस हैं दिखने में कैसे प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स है तो क्या आपकी सिंगुलर एंटिटी है, लेकिन हम उसके साथ वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर बनाने के लिए हम उसका एस रिमूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल हिज एसेट्स वर सीज, ये जो एसेट्स है ये भी सिंगुलर एंटिटीज, एसेट्स मींस क्या होता है, संपत्ति। यहां पर भी हमने वर्ब कैसे यूज की, प्लूरल वर्ब यूज की। तो ये क्या था कि ये कुछ हमारे ऐसे नाउंस है जो दिखने में कैसे हैं, प्लूरल हैं, लेकिन वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल ही लेंगे, लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ और यूज करते हैं, जैसे ईच आ गया, एवरी आ गया, ईच आ गया, एवरी आ गया, इनके साथ अगर ऑफ यूज होता है, ऑफ अगर इनके साथ यूज होता है, तब हमारी वर्ब कैसे आएगी, वो हम एग्जांपल से करते हैं। ये तो आपको समझ आया कि कुछ हमारे अनकाउंटेबल नाउंस थे जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, और कुछ क्या थे जो हमारे नाउंस थे वो दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है, होते कैसे, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वर्ब कैसे ले रहे हैं, प्लूरल ले रहे हैं। ठीक है, आगे करते हैं हम रूल, यानी कि कुछ हमारे वर्ड्स हैं, ईच हो गया, एवरी हो गया, इफ ऑफ इज यूज आफ्टर ईच, एवरी, वन एटसेट्रा, अगर ऑफ यूज होता है किसके बाद, ईच, एवरी और वन के बाद, तो इनके साथ जो नाउन आएगा वो कैसे यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, लेकिन जो वर्ब यूज होंगे, प्रोनाउन यूज होंगे, एडजेक्टिव यूज होंगे, जो कि सेकेंड पार्ट में, इनके इसके बाद वाले पार्ट, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में अगर आएंगे, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसे होंगे, वो सिंगुलर होंगे। समझ आया, पहले एग्जांपल देती हूं, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। इस एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि हमारे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि ईच, एवरी और वन, ये ऐसे अगर हमारे वर्ड्स हैं और इनके बाद अगर हमारा ऑफ आ जाता है, देखो वन के बाद आया हमारा ऑफ, ठीक है, इनके बाद हमारा ऑफ आ जाता है, तो जो नाउन और प्रोनाउन ऑफ के बाद आएंगे वो कैसे होंगे, प्लूरल,
यानी कि ऑफ के बाद हमारा जो नाउन आया है वो कैसा आया? प्लूरल, ठीक है। और जो इस सेंटेंस में जो हमारा सेकंड पार्ट रह जाता है, लेकिन इससे अगला दूसरा जो हिस्सा रह जाता है सेंटेंस का, उसमें जो वर्ब यूज होगी, प्रोनाउन यूज होंगे, और जो नाउन एडजेक्टिव वगैरह जो भी यूज होंगे वो कैसे आएंगे? सिंगुलर यूज होंगे। अब देखो, वन के बाद ऑफ आया हमारा, ऑफ के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा आया? प्लूरल आया। लेकिन इससे नेक्स्ट पार्ट में, सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में जो भी हमारे प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी आएंगे वो कैसे आएंगे? सिंगुलर आएंगे। तो देखो, वर्ब कैसी यूज हुई हमारी? सिंगुलर वर्ब यूज हुई। ये भी जो क्या है हमारा, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही थी कि ईच, एवरी और वन के बाद अगर ऑफ आता है तो उनके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो तो कैसा आएगा? प्लूरल। और उसके नेक्स्ट पार्ट में जो भी हमारे वर्ब एडजेक्टिव या प्रोनाउन यूज होंगे वो कैसे यूज होंगे? सिंगुलर। इस एग्जांपल से, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, ठीक है। अब आगे चलते हम, अगर ईच यूज होता है आपका किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ, के बाद यूज होता है, यानी कि ईच आपका किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होता है, तो जो वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल करते हैं, क्या बोला गया है कि ईच यूज हो रहा है आपका नाउन या प्रोनाउन के बाद, यानी कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद आपका ईच यूज हो रहा है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आर नेशन। क्या कहना चाह रही हूं मैं, जब यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है आपका? प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन है, और उसके बाद आपका ईच आता है, ईच, तब जो हमारी वर्ब यूज होगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। अदरवाइज हम क्या बोलते थे, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, इनके साथ हम वर्ब कैसे यूज करते थे? सिंगुलर वर्ब यूज करते थे। लेकिन आज क्या बोला गया कि जब हमारा ईच कब आए, प्लूरल प्रोनाउन या फिर प्लूरल नाउन के बाद हमारा ईच आ जाता है तो हमारी वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हम करते हैं, अगर हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन वन यूज होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन वन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, तब क्या वो कैसी फॉर्म लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या है? सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होगा। वो प्रोनाउन जो यूज होगा वो क्या होगा? वन होगा, वंस होगा, वनसेल्फ होगा, लेकिन ही, हिज, हिमसेल्फ ये यूज नहीं होंगे। फिर से एग्जांपल देते हैं, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। यहां पर क्या है, जो वन है ये आपका कैसा है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और ये यूज कैसे हुआ हमारा? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। जो वन है ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और यूज कैसे हुआ हमारा? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। एज अ सब्जेक्ट यूज है तो वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, और जिसका प्रोनाउन यूज होगा वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। और प्रोनाउन किस तरह से लेगा? या तो आपका वन लेगा वो, या वंस लेगा, या फिर वन सेल्फ लेगा, लेकिन कभी भी ये क्या नहीं लेगा? हिज नहीं लेगा, ही नहीं लेगा, हिमसेल्फ ये नहीं, ये प्रोनाउन ये नहीं लेगा। कब नहीं लेगा? जब आपका वन इनडेफिनेट प्रोनाउन आपका एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये प्रोनाउंस वो लेगा, लेकिन ये वाले प्रोनाउन वो नहीं लेगा। और जो वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। आगे करते हैं हम, क्या क्या समझ आया? अगर वन आ रहा है एज आपका, वन आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है, वो एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हमारी जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर यूज होगी, और जो प्रोनाउन यूज होगी वो भी वन, वन सेल्फ और
वंस यूज होंगे, ही हिमसेल्फ हिज हिम ये यूज नहीं होंगे। फिर आता हमारा रूल, इफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में हमारी क्या इमेजिनरी पोजिशन को शो कर रहा है, सेंटेंस कैसा हमारा इमेजिनेशन वाला इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, ठीक है, उसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा कैसे आएगा, वर्ब यूज होगी। वर्ब जो यूज होगी वो कैसी यूज होगी, वर्ब, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी पोजिशन है। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस में आपकी इमेजिनरी पोजिशन शो हो रही है, और वो सेंटेंस बिगिन कैसे हो रहा है, एज इफ, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, यानी कि इन केस, एज इफ, वुड दो, वुड दैट, एज दो, सपोज, यानी कि जो भी हमारे इमेजिनरी सेंटेंस को शो करने वाले वर्ड्स है उनसे अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे कि एज दो, इफ, एज इफ, एज, एज इफ तो हो गया, इफ, इन केस, एज इफ, वुड दैट, एज दो, सपोज, इफ, ये अगर इनसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, आई विश, इनसे, ये जितने वर्ड इनसे पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस वो कैसा होने वाला है, इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर इनसे अगर हमारा सेंटेंस बिगिन होता है, यानी कि इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें जो हमारी वर्ब यूज होगी उसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा भी सब्जेक्ट है, जो वर्ब यूज होगी हमारी वो कैसे यूज होगी, वर्ब यूज्ड विल बी वर हम यूज करेंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। एग्जाम्पल करते हैं, आई विश आई वर अ बर्ड, एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड। यहां पर देखो, आई विश इमेजिनरी सेंटेंस है, आई वर अ बर्ड ये इमेजिनरी सेंटेंस की मैं बर्ड होता, अदरवाइज हम क्या करते हैं, आई के साथ वॉज यूज करते हैं अगर हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन ये सेंटेंस कैसे हमारा इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट आए होते हुए भी हमने जो वर्ब यूज किए वो कैसे यूज किए, वर यूज किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प पुअर्स, इफ इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, ही वुड हेल्प Others। अब देखो यहां पर इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। वर्ब कैसे यूज की हमने, प्लूरल वर्ब, यानी कि वर ही हम यूज करेंगे और कोई भी वर्ब हम यूज नहीं करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे, वर यूज करेंगे हम, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। कैसे सेंटेंसेस की बात चले जब हमारे सेंटेंसेस इमेजिनरी हो और वो किससे स्टार्ट हो, इफ से, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, ऐसे सर्टेन वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और इमेजिनेशन को शो कर रहा है, तो वहां पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हम यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब इच्छात्मक वाक्य जो होते हैं, ठीक है, जिसमें विश की जाती है, प्रेयर की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट आपकी वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट आपकी वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। एग्जाम्पल से करते हैं, बात समझ क्या ही है कि जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उसमें जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है वो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल, लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन। ये सेंटेंस कैसा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो हमारे इच्छात्मक वाक्य हैं, ठीक है, इच्छात्मक वाक्य के साथ क्या होगा,
कि हमारे जो अगर सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर, तो अभी हमारे वर्ब कैसे लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। लॉन्ग लिव द क्वीन, ये जो क्या है क्वीन, ये आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट, और वर्ब कैसे लिए इसने, प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे कि कुछ हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स थे, अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले अगर हम अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ लगा देते हैं तो वो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। यहां पर जो मनी है वो कैसा आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ लगाकर इनमें क्या था कि मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अमाउंट ऑफ लगाने के बाद, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले अमाउंट ऑफ लगाने के बाद या फिर क्वांटिटी ऑफ लगाने के बाद जो वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अगर ये यूज हो जाता हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले तो ये जो वर्ब लेंगे वो कैसे लेंगे, सिंगुलर प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यानी कि क्या कह रहे हैं, हमारे काउंटेबल नाउन से पहले अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट नंबर ऑफ यूज हो जाता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ किससे पहले, इफ अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये अगर हमारे यूज हो जाते किससे पहले, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेटर नंबर ऑफ एटसेट्रा इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, then the verb used will be plural. तो verb कैसे use होगी, plural verb will be used, plural verb will be used. यानी कि क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे plural countable noun से पहले a number of, a large number of, a greater number of use हो जाता है किससे पहले, plural countable noun से पहले, तो जो verb use होगी वो कैसे use होगी, plural verb use होगी। नेक्स्ट हम करते हैं, कुछ हमारे नाउंस हैं जो दिखने में तो कैसे हैं, प्लूरल हैं, लेकिन उनके साथ मीनिंग के अकॉर्डिंग कई बार हम उनको प्लूरल यूज करते हैं, तो प्लूरल के सेंस में यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर के सेंस में यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे कि न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे तो हमने कुछ किया था, क्या है जैसे कि पॉलिटिक्स किया था, इकोनॉमिक्स किया था, ये दिखने में कैसे है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसे ले रहे थे, सिंगुलर वर्ब ले रहे थे, ये तो हमारा रूल हो गया था। आज हमने आ रहा जो रह गया वो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लास्ट रूल हमारा क्या था, जैसे कि डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एटसेट्रा, ऐसे कुछ नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में यूज हो सकते हैं। तो मैं मेंशन कर देती हूँ कुछ नाउन्स यहाँ पर। हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में यूज बात की थी, कलेक्टिव नाउन अगर वो एक ही मतलब पूरी टीम की तरह अगर उसकी बात की जाए तो सिंगुलर, अगर उसके मेंबर्स को डिवाइड कर देंगे डिविजन हो जाता है तब तो क्या था, प्लूरल। आज कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से उसको यूज किया जा सकता है, जैसे कि डियर, शिप, सीरीज,
स्पीसीज फिश क्रू क्रू टीम जुरी एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट काउंसिल ये क्या है कुछ हमारे नाउंस हैं जो कि क्या है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। अब जो हमारा फिश है फिश हमारा ऐसे नाउन है अगर इसको इसके जो दो क्या है हमारे प्लूरल फॉर्म होते हैं तो फिश का फिश रहता है दूसरा क्या हमारा फिशेस। अगर हम फिशेस कर देते तो ये क्या है इसकी स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब करेगा अदरवाइज फिश का प्लूरल फिश ही रहता है दो इसके प्लूरल है। ये जितने भी ऊपर नाउन लिखे हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं हम आवर टीम इज द बेस्ट सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आवर टीम इज द बेस्ट आवर टीम इज द बेस्ट। नेक्स्ट आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म आवर टीम आर ट्राइंग आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म बात क्या की कि जो हमारे ऊपर नाउन लिखे वो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में। अगर सिंगुलर सेंस में यूज हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लेंगे अगर प्लूरल में सेंस में यूज कर रहे तो प्लूरल वर्ब लेंगे ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ टीम इज द बेस्ट यहां पर जो टीम है उसको हमने एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है। सेकंड में जो टीम है यहां पर हमने इसको एज अ प्लूरल सब्जेक्ट लिया है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट लिया तो सिंगुलर वर्ब यूज हुई और जब प्लूरल सब्जेक्ट लिया तो हमने प्लूरल वर्ब यूज की। ऐसे ही क्या एग्जाम्पल देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड यहां पर क्या है मैंने क्या बोला कि फिश का प्लूरल फिश ही होता है यानी कि सेम काइंड की फिश है तब तो हमने फिश रख दिया। लेकिन अगर वैरायटीज डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट हैं तो जो प्लूरल यूज होगा वो कैसे यूज होगा देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम यहां पर जो फिशेज है मैंने क्या बोला कि फिश का प्लूरल कैसा होता है फिश भी होता है और फिशेज भी। जब फिश प्लूरल होगा तब क्या होगा वैरायटी सेम होगी काइंड सेम है लेकिन अगर फिशेज अगर हमने प्लूरल लिखा है दैट मींस उनकी जो वैरायटीज और स्पीसीज है वो क्या है डिफरेंट है वेरी कर रही है। अब हमारा कुछ रह गया तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ऑल जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सेंस में यूज होता है। हम देखते हैं काउंटेबल सेंस में यूज होगा जब वो अनकाउंटेबल सेंस में यूज होगा तब तो क्या है सिंगुलर फॉर्म लेगा लेकिन जब वो काउंटेबल सेंस में यूज होगा तब कैसा लगा लेगा प्लूरल वर्ब लेगा यानी कि जो ऑल है वो किस में यूज कैसे यूज हो सकता है दोनों सेंस में यूज हो सकता है कैसे सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जब वो अनकाउंटेबल सेंस में यूज होगा तब तो सिंगुलर वर्ब लेगा और जब वो काउंटेबल सेंस में यूज होगा तब वो प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे उससे आपको रूल पता चलेगा। All is well that ends well. All is well that ends well. All is well that ends well. ये क्या है सिंगुलर वर्ब ली और इसको कैसे यूज किया हमने अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में इसको यूज किया है और ये जो वर्ब यूज किया है वो कैसे यूज किया हमने सिंगुलर वर्ब यूज किए। ये तो कैसे किया हमने अनकाउंटेबल सेंस की में यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में अगर यूज करेंगे तो वर्ब कैसे लेगा सिंगुलर। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करेंगे
वर्ब लेगा वो प्लूरल, ऑल आर वेल एट होम। यहां पर उसने कैसे लिया, काउंटेबल नाउन की सेंस में यूज किया है इसको, तो वर्ब कैसी आई हमारी, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। यानी कि ऑल को कैसे यूज कर सकते हैं हम, सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। आज हमारा मोस्टली क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू।